नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है और किसान अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ किसानों ने अपने ट्रैक्टरों के बीच टोचन मुकाबला भी किया, जिसमें एक महिंद्रा और स्वराज ट्रैक्टर ने आपस में ताकत भी दिखाई। तो गौरव भाई, इसी तरीके से मनोरंजन चलेगा यहाँ पर? नहीं, मनोरंजन का है तो अपना जो अल्टरनेटर चेक हो जा, बैटरी चार्ज हो जा, अब कुछ ना कुछ तो चाहेगा भाई, बैटरी चार्ज हो जाएगी। यहाँ बिजली तो है नहीं, तो चार्ज के लिए भी जो है वो बैटरी उसमें तो लगा के चार्ज कर रहे, और अपना जो है उसका ट्रैक्टर का पता भी लग जा कि इसमें कितना सदम है। तो ये भाई किसानों का तो यही तो खेल है, और क्या ठीक है। तो बैटरी चेक कर रहे, अपने बैटरी चेक करके अपना कर ली उन्होंने, अपना अल्टरनेटर चेक होगा और मजबूत रहेंगे ट्रैक्टर, तो क्या पता क्या मुकाबला करना पड़ जाए। हाँ, और यहाँ ट्रैक्टरों के बीच मुकाबला हुआ, किसान यहाँ ऐसे समय टाइम पास करेंगे अपना? ट्रैक्टरों के मुकाबले की बात नहीं है यार, इसका मतलब यो नहीं है कि भाई ये सरकार यहाँ की इन ट्रैक्टरों में मुकाबला दिखाएगा कि भाई इनमें तो आपस में मुकाबला हो रहा है, तुम राज कर लो, इसका मतलब ये नहीं हुआ। ये तो हमारा प्यार है, शक्ति अजमाई जाएगी, योद्धा में कितनी है, कृष्ण में कितनी थी, भीम में कितनी थी, दुर्योधन में कितनी थी, अर्जुन में कितनी थी, कर्ण में कितनी थी, ये तो इसको संसार रचवाटी के हिसाब का। अब यहाँ रही बात आपकी, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम जानते हैं अंदर आत्मा से, यहाँ शोक में नहीं पड़े हम यहाँ दुख में पड़े हुए हैं। सवा साल लो, तेरा भिन्ने लो, दिल्ली गाजीपुर पर धरना चलाया, पवन उन्ना खड़ा नाम है मेरा, पवन उन्ना खड़ा, मैं किसान है, देश में 80% जनसंख्या, देश संसद भवन में लिखा हुआ कानून है, गन्ने का रेट सही हो, गेहूं का रेट सही हो, मजदूरी किसान खरीद देता है, किसान अन्नदाता होता है इस देश का, किसान के गन्ने से ही चाय पीता है मोदी योगी, किसान के गेहूं से ही पैदा की रोटी खाता है मोदी योगी, तो उनको इस जनता पर ध्यान देना चाहिए।